हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओमनीसेंट। दोस्तों, ये सामान्य अध्ययन श्रृंखला एक है जिसे मैंने आपके लिए स्पेशल रूप से तैयार किया है। इस तरह के बहुत सारे श्रृंखला को, सीरीज़ को मैं आपके लिए ला रहा हूँ। एक तरह से ये जीएस टेस्ट के रूप में है, लेकिन चूँकि इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर टेस्ट तो नहीं लिया जा सकता, तो मैं सिर्फ जो जानकारी है, जो टेस्ट में पूछे जाते हैं बराबर प्रश्न, उसको मैंने शामिल किया है। तो जनरल स्टडीज़ सीरीज़ 1 है और इसी तरह के वीडियो मैं आप हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा, तो जिसे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। जितने भी तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक है उस सब को मैं शामिल करूँगा इसमें। तो ये विविध से रिलेटेड है, मिसलेनियस। तो इस वीडियो में शास्त्रीय नृत्य, वाद्य यंत्र और संगठन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मेरे वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों, संगठन के बारे में है। एशियाटिक समाज की स्थापना जो है कब हुआ है, तो 1784 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछे गए अभी तक। दूसरा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ है, तो 1861 ईस्वी में हुआ है। तीसरा है, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ है, तो इसका 1945 ईस्वी में हुआ है। चौथा है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुआ है 1948 में। ये राष्ट्रीय पुस्तकालय दोस्तों कोलकाता में है। पांचवा है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ है। छठा है, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ है। सातवां है, साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ है। देखिए दोस्तों, ये सब 1954 में हुए हैं, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1954 में हुआ है। नौवां है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना जो है 1959 ईस्वी में हुआ है। दसवां है, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो ये कथक से हैं और ये यूपी से रिलेटेड हैं, वाराणसी। ठीक है, तो ग्यारहवां है, हेमा मालिनी जो अभी फिल्म अभिनेत्री हैं और श्रीदेवी, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, तो ये मोहिनी अट्टम उनका शास्त्रीय नृत्य है, उन्होंने सीखा है, हेमा मालिनी और श्रीदेवी ने। हेमा मालिनी अभी भी परफॉर्म करती हैं। बारहवां है, भारती शिवाजी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो ये भी मोहिनी अट्टम से ही हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो भरतनाट्यम से। ये भरतनाट्यम तमिलनाडु में, इसका विशेष रूप से मतलब तमिलनाडु राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है। चौदहवां है, इंद्राणी रहमान किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये ओडिसी से हैं, जो कि उड़ीसा राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। सेरो लेवन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ओडिसी से। सोलहवां है, मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये कथकली से हैं। सत्रह है, सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो कथक से हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। मृणाली साराभाई, सितारा देवी। झावेरी बहनें जो हैं, झावेरी बहनें हैं, मणिपुर से हैं, मणिपुर राज्य की। लीला सैमसन जो है, ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। बीसवां है, सोनल मानसिंह, ये ओडिसी से हैं। इक्कीसवां प्रश्न है, केलुचरण महापात्र, तो ये दोस्तों ओडिसी से ही है। महापात्र जो है, महापात्र या महापात्रा जो टाइटल है, जो ओडिशा के लोग लगाते हैं। बाईसवां है, माधवी मुदगल जो है, ये ओडिसी से संबंधित है। मालविका सरकार जो है, भरतनाट्यम से संबंधित है। संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी से संबंधित है। उस्ताद अल्लाह रखा खां जो है, ये तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। बिस्मिल्ला खान शहनाई से, ये बिहार के हैं,
डुमराव है, भोजपुर जिला का डुमराव में। उस्ताद बिंदु खान सारंगी से, अट्ठाईसवां है। पन्ना लाल घोष जो है बांसुरी से संबंधित हैं। गुदई महाराज जो है तबला से संबंधित हैं। विलायत खां जो है सितार से। निखिल बनर्जी जो है ये भी सितार से ही है। जाकिर हुसैन जो है तबला से हैं। अमजद अली खान सरोद से, ये इम्पोर्टेंट है। चौंतीसवां है भजन सुपारी जो है संतूर से। पैंतीसवां अली अकबर खान जो है सरोद से। छत्तीसवां हरी प्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी से संबंधित हैं। सैंतीसवां है ठाकुर भीकम सिंह जो है ये मृदंग से। अड़तीसवां है उस्ताद सादिक अली खान, ये रुद्रवीणा से संबंधित हैं। उनचालीसवां है असद अली खान जो है ये भी रुद्रवीणा से संबंधित है। चालीसवां है शेख चिन्ना मौलाना जो है नाथस्वरम से। इकतालीसवां राज रतन पिल्लई जो है ये नाथस्वरम से। बयालीसवां है पालधार जो रघु हैं ये मृदंग से संबंधित है। कुनकैडी वैद्यनाथन जो है वायलिन से संबंधित है। टी एन कृष्णन जो है ये भी वायलिन से संबंधित है। इन पे भी बहुत प्रश्न पूछा गया है। 45वां है पंडित रवि रविशंकर जो है सितार से संबंधित है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 46वां है बद्रुद्दीन डागर जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वीणा से। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार आप इसे फिर से देख सकते हैं। तो शुरू से मैं एक बार फिर से आपको इसे तो ध्यान से देखने के लिए में जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए मैं दोबारा इसे आपके लिए दिखा रहा हूँ। देखिए मृणाली, ये सितारा देवी और मृणाली सारा भाई जो है महत्वपूर्ण है। कथकली और कथक झावेरी बहनें भी हैं। लीला सैमसन है, सोनल मानसिंह है, ये सब इम्पोर्टेंट है। मालविका सरकार भी हैं। गुदई महाराज भी हैं। हरी प्रसाद चौरसिया, टी एन कृष्णन, पंडित रविशंकर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।